हेलो रिवान, तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि आप गेट कंप्यूटर साइंस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच कर सकते हो, क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। सपोज़ आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। सपोज़ एक सब्जेक्ट है एक्स, ठीक है। उसको आपने अच्छे से पढ़ा, मतलब उसकी आपने थ्योरी कंप्लीट करी। थ्योरी कंप्लीट करने के साथ साथ बच्चे गलती क्या करते हैं, थ्योरी कंप्लीट करी उसके बाद कंप्लीट करके उसको रख दिया चुपचाप बंद करके, अगला सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करो, आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, ठीक है। सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद, जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, सपोज आप टॉपिक वाइज कंप्लीट करो। जैसे आपने सपोज ओएस में मेमोरी मैनेजमेंट कंप्लीट किया, उस सब्जेक्ट को पढ़ो। पढ़ने के साथ साथ जैसे आपने टॉपिक कंप्लीट किया मेमोरी मैनेजमेंट, उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के साथ साथ अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है, टेस्ट सीरीज में जो टॉपिक वाइज टेस्ट का एक सेक्शन होता है, जाओ उस सेक्शन में और उस टॉपिक का टेस्ट देखो। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ठीक है। आपने टॉपिक वाइज लिया, टॉपिक कंप्लीट किया, रिवाइज किया अच्छे से, जो डीपीपीज दी हुई कोचिंग से मिली हुई हैं आपको, या जो ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हो वहाँ से अगर आपको डीपीपीज मिली उनको सॉल्व करो, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। तब करने के बाद उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो। पहला बात तो ये हो गई। दूसरी बात, दूसरा ये कि जैसे ही आपका अब ऐसे आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते चले जा रहे हो, उसके बाद जैसे ही आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद पूरा अच्छे से रिवाइज किया, रिवाइज करने के साथ साथ उसके बाद आपने सब्जेक्ट का एक टेस्ट लिख दिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। तीसरी बात, अब ऐसा नहीं करना है कि आपने उस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद उसको बंद करके रख दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने आज पढ़ लिया, पूरा रिवाइज करके टेस्ट दे दिया, उसके बाद आप क्या करो, आपने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया, उसका जो आपने सुबह पढ़ा है, जो भी आपने वीडियो लेक्चर सुबह देखे हैं, उसको सोने से एक बार पहले आप अच्छे से रिवाइज कर लो, रिवाइज करके उस चीज़ को सो जाओ, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्ट तुमने पहले पढ़ रखा है और तुमने टेस्ट देके उसको बंद करके रख दिया है, उसको हर हफ्ते या 15 दिन में सैटरडे संडे को खोल के एक बार पढ़ने जरूर पलट लो, क्योंकि सब्जेक्ट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। गैप इन द सेंस ये कि सपोज आपने एक सब्जेक्ट आज पढ़ा, आपने अच्छे से रिवाइज किया उसको, उसका टेस्ट लिखे, उस टेस्ट पेपर लिखने के बाद आपने उसको बंद करके रख दिया, फिर आप अगले सब्जेक्ट पे मूव करते रहे, तो आपने ऐसा क्या किया कि 3 सब्जेक्ट बीच में कंप्लीट कर लिए और वो जो आपने पहला सब्जेक्ट जुलाई में पढ़ा था ना, वो आपके दिमाग से धीरे धीरे निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने आज सब्जेक्ट जुलाई में कंप्लीट किया, उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट करते चले गए और जो वो सब्जेक्ट था वो धीरे धीरे हमारी कैश मेमोरी से निकलता चला गया। तो ये अच्छी अप्रोच नहीं, उस सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाओ ना, उनको भी 10 दिन या 15 दिन में सैटरडे संडे जो टाइम आपके लिए फ्लेक्सिबल हो उस टाइम में आप उस चीज़ को पढ़ते जाओ, क्योंकि जो पुराना सब्जेक्ट है वो भी आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 4 महीने पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके बाद आपने उसको अगर रिवाइज नहीं किया, तो वो सब्जेक्ट जो है टोटली रिमूव हो जाता है आपके दिमाग से, ठीक है। तो सब्जेक्ट को अप्रोच करने का क्या तरीका, सबसे पहला स्टेप उसको कंप्लीट करो, टॉपिक वाइज रिवाइज करो और रोज रिवाइज करो, जो आपने पढ़ा वो रिवाइज करो, उसके बाद उसके टॉपिक वाइज टेस्ट लिखो, फिर कंप्लीट टेस्ट लिखो उसका। कंप्लीट टेस्ट लिखने के बाद जैसे वो कंप्लीट हो जाए दूसरा तुम स्टार्ट करो, बट वो जो पहला वाला कंप्लीट किया है ना तुमने, उसको हर 10 दिन या 15 दिन बाद सैटरडे संडे को उसके पन्ने पलट दो, जिससे कि वो सब्जेक्ट भी आपके दिमाग में रहे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और गेट सीएससी की प्रिपरेशन के लिए अगर आप जा रहे हो तो एग्जाम प्रेप टूल को फॉलो करो, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाउंडर है उससे 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो फैकल्टीज हैं उसमें वो भी काफ़ी अच्छे हैं, AIR1 AIR2 टाइप के लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से एडमिशन ले सकते हो। जो फी स्ट्रक्चर है उसका वो भी डिसेंट अमाउंट में, ना ज़्यादा है ना कम है, एक मीडियम रेंज में है। तो उसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, इजीली देख सकते हो उनकी वेबसाइट पर जाके क्या क्या कोर्सेज हैं, वेब डेवलपमेंट, गेट सी ए, गेट डी ए, मशीन लर्निंग, जो भी कोर्स आप गेट कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहते हो वहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।